नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू कॉलेजियम, न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगातार सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक जनहित याचिका दायर की गई है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद आब्दी के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी प्रावधान का उपयोग किए बिना न्यायपालिका पर सबसे अपमानजनक और अपमानजनक भाषा में शुरू किए गए हमले पर आपत्ति जताई गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे दो व्यक्तियों के इस तरह के आचरण ने उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से कम किया है। उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री कॉलेजियम प्रणाली के साथ साथ बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सार्वजनिक मंचों से खुलेआम हमला कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का अशोभनीय व्यवहार जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को कम करता है। याचिका में पिछले दिनों कई घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है जब जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री ने कथित तौर पर पूरी छूट के साथ हमला किया था। आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को गुरुवार को रिहा किया जाएगा। उनको अब तक दोनों मामलों में जमानत मिल चुकी है। दूसरे मामले में जमानत मिलने के एक महीने से अधिक समय बाद लखनऊ की एक विशेष अदालत ने बुधवार को उनकी रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। रिहाई आदेश जेल में पहुंचने के बाद कप्पन को रिहा कर दिया जाएगा। लाइव ब्लॉक की रिपोर्ट के अनुसार सत्र न्यायाधीश लखनऊ द्वारा हस्ताक्षर किए गए रिहाई आदेश में जिला जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि यदि कप्पन किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो कप्पन से निजी मुचलका प्राप्त कर रिहा कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि कप्पन की रिहाई की करीब करीब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार उनके वकील ने कहा कि आज सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन रिहाई का आदेश समय पर जेल नहीं पहुंचा। वो कल दोपहर से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। कप्पन के कल शाम ही बाहर निकलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें इसलिए रिहा नहीं किया जा सका क्योंकि धन शोधन निवारण पर विशेष अदालत के न्यायाधीश बार काउंसिल के चुनाव में व्यस्त थे। कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर महीने में ही इस मामले में जमानत दे दी थी, जिसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप लगाया गया था। उससे पहले सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य सभी मामलों में उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी के एक केस के चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर लगातार गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों पर पड़ना जारी है और इसका ही नतीजा है कि गौतम अडानी की संपत्ति में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गौतम अडानी अब फोर्ब्स की दुनिया के अमीरों की सूची में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं और 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट आने से पहले वो तीसरे स्थान पर थे। अडानी को फोर्ब्स की लिस्ट में $76.8 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ 15वें स्थान पर रखा गया है। मतलब वो अपने अब प्रतिद्वंदी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी से पिछड़ गए हैं। अंबानी $83.6 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ 9वें स्थान पर हैं। यही नहीं, अडानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब भी खो दिया है। बता दें, अडानी एंटरप्राइजेस के FPO के ओवर सब्सक्राइब होने के एक दिन बाद ये हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने का प्रभाव बुधवार को भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों पर देखा गया और गिरावट जारी रही। अडानी एंटरप्राइजेस, जिसे अडानी के व्यवसाय के लिए एक अच्छी खबर माना जा रहा था, उसके शेयर्स में भी बुधवार को करीब 30% की गिरावट आ गई। अडानी पावर 5% गिर गया, जबकि अडानी टोटल गैस 10% तक गिरा। अडानी टोटल में लगभग $27 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन 6% और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 20% नीचे देखा गया। वहीं ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में बताया है कि घबराहट को देखते हुए क्रेडिट स्विस ने अपने निजी बैंकिंग ग्राहकों को मार्जिन लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड स्वीकार करना बंद कर दिया है। हालांकि क्रेडिट स्विस की तत्काल को टिप्पणी नहीं आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा भले ही देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल रहा हो, पर आज भी ग्रामीण इलाकों के गरीबों का सबसे बड़ा सहारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा है। लेकिन केंद्र सरकार के पिछले 2 बजट देखें तो लगता है कि इस योजना को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश चल रही है। संसद में पेश किए गए 2023-24 के बजट ने इस पर मोहर भी लगा दी है।
बता दें साल 2021-22 में इस योजना के तहत 98,467 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अगले साल 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान ही रखा गया। हालांकि इस साल के लिए इस योजना के तहत किए जाने वाले खर्च का जो संशोधित अनुमान पेश किया गया वो तो 89,400 करोड़ रुपए का है, लेकिन अब 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए महज 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यानी बजट अनुमान के हिसाब से इसमें लगभग 18% की कटौती कर दी गई, और अगर संशोधित अनुमान के हिसाब से देखें तो ये कटौती 32% से भी ज़्यादा बैठती है। बता दें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में अपनी सरकार बनते ही मनरेगा की जिस तरह से आलोचना की थी वैसा कोई उदाहरण इसके पहले नहीं मिलता। फरवरी में 2015 में प्रधानमंत्री ने संसद में ये कहा था कि मनरेगा यूपीए की नाकामी का स्मारक है। उसी समय माने जाने लगा था कि ये योजना धीरे धीरे अपने उतार की ओर बढ़ चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज बजट पेश किया। बजट में मुख्य घोषणाओं में नौकरी पेशा वर्ग को इनकम टैक्स के मोर्चे पर लंबे समय बाद राहत मिली। टैक्स छूट की 5 लाख की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई, यानी अब 7 लाख वालों को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे हेलीपोर्ट बनेंगे। 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 लाख तक जमा पर 7.5% ब्याज होगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया। प्रमुख स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर खर्च घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जरूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी। कैमरा लेंस और लिथियम आयन बैटरी जैसे मोबाइल फोन उत्पादन में लगने वाले जरूरी सामान के आयात में भी कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी। चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा ताकि वो सोने और प्लेटिनम पर लगी कस्टम ड्यूटी के बराबर हो सके। सिगरेट पर लगे कस्टम ड्यूटी को 3 साल से नहीं बढ़ाया गया है, इसे बढ़ाकर 16% करने का प्रस्ताव। मोदी सरकार ने गरीबों की कल्याणकारी अंत्योदय योजना की अवधि 1 साल के लिए और बढ़ा दी। बुधवार को बजट 2023 में इसकी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए जरूरी राहत दी जाएगी। सरकार 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था ये उससे 9 गुना अधिक है। 50 और एयरपोर्ट हेलीपैड और पोर्ट के पास पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर उन्हें फिर से रिवाइव किया जाएगा। बजट भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमन ने कहा ये अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा पहले के बजट में जो तस्वीर बनाई गई उसी को आगे बढ़ाता है। इसका उद्देश्य देश के सभी तबकों को फायदा पहुंचाने का है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को विपक्ष ने चुनावी बजट बताया। इन घोषणाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने कहा बजट में कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन मनरेगा, गरीब, ग्रामीण श्रम, रोजगार और महंगाई का कोई जिक्र नहीं। कुछ बुनियादी सवालों के जवाब बाकी रह गए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा ये बजट देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं हैं जो पहले भी की जाती रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें लागू कैसे किया जाएगा। प्रधानमंत्री की किसान योजना से सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा हुआ था, किसानों को नहीं। जदयू सांसद राजीव रंजन ने कहा बजट 2023 में कुछ भी नहीं है, ये सपनों का सौदागर जैसा है। जब आप सपने के बाद जागते हैं तो कुछ भी सच नहीं होता। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी को कैसे नियंत्रित किया जाए इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। कांग्रेस ने बजट पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया में एक ट्वीट कर तंज कसा। इसने एक तस्वीर साझा कर लिखा है कि दावों और हकीकत में फर्क है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एएनआई से कहा यह बजट वही है जो पिछले 8 से 9 साल से आ रहा था। टैक्स बढ़ाए गए, कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। कुछ साठ गांठ वाले पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है। जनता को टैक्स से फायदा होना चाहिए, लेकिन इससे उसकी कमर टूट रही है।
कांग्रेस नेता के सुरेश ने भी कहा, एक कॉरपोरेट समर्थक बजट है। इस बजट में अडानी के सारे हित पूरे हैं, लेकिन आम आदमी की उपेक्षा की गई है। ये बजट अडानी अंबानी गुजरात के लिए है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पिछले बजट की घोषणाओं का हवाला देते हुए जिसको जुमलाबाजी करार दिया। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि देखना है कि इस बजट से कितना अमृत बरसेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा, इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है जैसा पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीद क्यों? सीपीएम की त्रिपुरा इकाई के सचिव जितेंद्र चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सीपीएम त्रिपुरा के साथ गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है। आने वाले 1-2 दिनों में दोनों ही दलों के बीच सहमति बनने की संभावना है। 2 फरवरी तक इस गठबंधन की घोषणा की जा सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख भी 2 फरवरी है। सीपीएम चुनावों की घोषणा से पहले ही भाजपा विरोधी सभी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात करती रही है। सीपीएम की इस अपील के बाद ही कांग्रेस औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल हुई, जबकि तिपरा माथा ने ग्रेटर तिपरा लैंड की मांग पर लिखित समझौते के बिना किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अपनी इस मांग के लिए उसने गठबंधन के लिए बीजेपी से भी बात की, लेकिन अंतिम समय तक बात ना बन पाई। चुनाव की घोषणा से हफ्तों पहले सीपीएम और तिपरा गठबंधन के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उस समय भी गठबंधन नहीं हो पाया। मंगलवार को दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में प्रचार के लिए पहुंचे जितेंद्र चौधरी ने कहा, हम गठबंधन की संभावनाओं को लेकर कांग्रेस और तिपरा माथा दोनों के साथ ही बात कर रहे हैं। तिपरा अब तक 40 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन सबरूम में जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। धार्मिक पहचान धारण करने वाले राजनीतिक दलों के नामों और प्रतीकों को रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे केवल एक धर्म को लेकर ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जस्टिस अहमद शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम अहमद रिजवी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाल ही में हिंदू धर्म अपनाने वाले याचिकाकर्ता ने अदालत से राजनीतिक दलों को धर्म से जुड़े नामों और प्रतीकों का उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में केवल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जैसे मुस्लिम नाम वाले राजनीतिक दलों को ही शामिल किया था। IUML की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और वकील हारिस बीरन ने मामले में केवल मुस्लिम पक्षकारों को पक्षकार बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।